भाइयों मैं धन्यवाद दूंगा आरएलपी के नौजवानों को, मेरे नेताओं को, मेरे छोटे भाइयों को कि हर परिस्थिति में आप मेरे साथ रहे। मुझे पता है जब मैंने चार जाम किया था तब भी इसी तरह की ठंड थी, 70 दिन सड़क पे बैठे थे। हाईवे तो हमने जाम कर लिया, लेकिन हाईवे जाम करने के और जब हम दोबारा कूच के लिए गए थे हजारों की तादाद के अंदर, उस समय कांग्रेस की सरकार ने कई दलाल वहां छोड़ दिए थे, तो हाईवे के पास जाके 15-20 लोग बैठ गए थे। उनकी प्लानिंग थी कि हनुमान जी का जब रेला आएगा तो हमें अगर भगा देगा तो भी हम पॉपुलर होंगे, और नहीं भगाएगा तो हम कह देंगे कि हाईवे तो हमने जाम किया, तो पहले जाके बैठ गए थे। जैसे रात को कोई जाके बैठ जाए, जिस तरह बीजेपी के लोगों ने बंद पड़े या शिक्षा मंत्री के आवाज के ताले तोड़ के प्रदर्शन कर दिया, आप रहो बंद पड़े घर में तो कोई भी घुस जाता है। मेरे घर में भी चोरी होगी तो बंद पड़ा था यहाँ पे। भाजपा का बड़ा प्रदर्शन, कौन सा बड़ा प्रदर्शन, हवा निकल गई भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेताओं के प्रदर्शन है उतनी तो आरएलपी वाले जन सुनवाई करते हैं एक दिन के अंदर राजस्थान। ये हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तो टेलर है। गहलोत को पूरी पिक्चर दिखा देंगे, वसुंधरा को पिक्चर दिखा दी, सात समंदर पार भेजे ललित मोदी के पास। पार्टी से जो भी टक्कर लेगा वो पीछे की ओर चला जाएगा।